Hello student, this is Priyanka and welcome to my channel Live to Learn. So today we will discuss the solution of chapter heat. Before that, please subscribe my channel and press the bell icon. Let's start the questions. First question is, write similarities and differences between the laboratory thermometer and the clinical thermometer. तो क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर में आपको कुछ समानताएं और कुछ विभिन्नताएं लिखनी हैं। तो समानताएं इस प्रकार हैं, बोथ द थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। दोनों ही थर्मामीटर की एक लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब होती है और दोनों के एंड पर एक बल्ब भी होता है। दोनों ही थर्मामीटर में मर्करी फिल होता है एंड बोथ यूज सेल्सियस स्केल ऑन द ग्लास ट्यूब। दोनों की ग्लास ट्यूब के ऊपर सेल्सियस स्केल बना होता है ताकि ईजिली टेम्परेचर को मेजर किया जा सके। एंड द डिफरेंसेस आर, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें जो रीडिंग है वो 35 टू 45 डिग्री सेल्सियस तक होती हैं। वहीं पर लेबोरेटरी थर्मामीटर में रीडिंग -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती हैं। -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर में एक किंक होता है नीचे बल्ब के पास, वहीं पर लेबोरेटरी थर्मामीटर में ऐसा कोई किंक अवेलेबल नहीं होता और इसी किंक की वजह से जो क्लिनिकल थर्मामीटर का मर्करी है वो एकदम से नीचे नहीं गिरता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव टू एग्जाम्पल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। तो आपको उष्मा के कुचालक और सुचालक दोनों के दो दो उदाहरण देने हैं। तो कंडक्टर मतलब जो उष्मा के सुचालक हैं लाइक आयरन एंड कॉपर, वहीं पर जो उष्मा के कुचालक हैं लाइक प्लास्टिक एंड वुड, इनमें से उष्मा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ट्रांसफर नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिल इन द ब्लैंक्स। द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर। किसी भी वस्तु की गर्मी उसके तापमान द्वारा ही निर्धारित होती है। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ डैश थर्मोमीटर, सो इट इज क्लिनिकल थर्मोमीटर। जो टेम्परेचर होता है उबलते हुए पानी का, उसको हम क्लिनिकल थर्मोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस, तापमान को डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। No medium is required for transfer of heat by the process of radiation. Radiation की जो process है उसमें heat को transfer करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। E, a cold steel spoon is dipped in a cup of hot milk. Heat is transferred to its other end by the process of conduction. क्योंकि स्टील जो है कंडक्टर है हीट का, जब हम इसे किसी गर्म मिल्क में डालेंगे तो एक एंड से हीट ट्रांसफर होगी टू द अदर एंड, यानी कि बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। एफ, क्लोथ्स ऑफ डार्क कलर्स एब्जॉर्ब मोर हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर, क्योंकि लाइट कलर के क्लोथ्स ज्यादातर हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और डार्क कलर क्लोथ्स ज्यादातर हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच द कॉलम्स। यहाँ दो कॉलम्स दिए गए हैं, उनमें फर्स्ट कॉलम के सेंटेंस को सेकंड कॉलम में दिए गए टर्म्स से मैच करना है। सो आंसर इज, लैंड ब्रिज ब्लो ड्यूरिंग नाइट, क्योंकि जो लैंड ब्रिज हैं हमेशा नाइट के समय चलती हैं, एंड सी ब्रिज ब्लो ड्यूरिंग डे। डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग विंटर, क्योंकि डार्क कलर के क्लोथ्स हीट को एब्जॉर्ब करते हैं इसलिए उनको विंटर में पहनते हैं, एंड लाइट कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग समर, क्योंकि लाइट कलर के क्लोथ्स हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं इसलिए उनको समर में यूज करते हैं और पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्कस व्हाई वियरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर देन वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग। तो आपको बताना है कि सर्दियों में एक भारी कपड़ा पहनने की बजाय दो या दो से ज़्यादा लेयर्स पहनना क्यों हमें गर्म रखता है। क्योंकि जो दो या दो से ज़्यादा लेयर्स होती हैं उन लेयर्स में बीच में हवा फिल हो जाती है और हम जानते हैं कि हवा उष्मा की कुचालक है, वो हमारी बॉडी हीट को सराउंडिंग में ट्रांसफ़र नहीं होने देती, जिसकी वजह से हमें ठंड कम लगती है।
तो इसलिए एक गर्म कपड़े की बजाय दो या दो से ज़्यादा लेयर्स के कपड़े पहनना अच्छा होता है सर्दियों में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द फिगर गिवन बिलो एंड मार्क वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन बाय कन्वेक्शन एंड बाय रेडिएशन. यहाँ आपको एक फिगर दी गई है, इसमें आपको बताना है कि किस प्लेस पर कंडक्शन प्रोसेस हो रही है, किस पर कन्वेक्शन एंड कहाँ पर रेडिएशन हो रही है. सो आंसर इज सो हेयर यू कैन सी दैट जो कंडक्शन प्रोसेस है वो बर्तन में यानी पैन में हो रही है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, एंड कन्वेक्शन जो प्रोसेस है वो वाटर्स में हो रही है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम द हीट हॉटर एंड टू द कोल्डर वन, एंड रेडिएशन फ्रॉम द गैस स्टोव टू द पैन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज्ड दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेस बी पेंटेड वाइट. एक्सप्लेन. ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर घरों को वाइट पेंट कराने की सलाह क्यों दी जाती है? तो आंसर इज क्योंकि जो वाइट पेंट होता है वो ज़्यादातर हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है एंड बैड एब्जॉर्बर होता है हीट का, इसलिए जब ज़्यादातर हीट रिफ्लेक्ट हो जाती है तो वो हाउस को कूल रखने में हेल्प करता है. इसलिए ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म क्लाइमेट होता है वहाँ घरों को वाइट पेंट कराने की सलाह दी जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 liter of water at 30 degrees Celsius is mixed with 1 liter of water at 50 degrees Celsius. The temperature of the mixture will be 1 liter पानी जिसका temperature 30 degree Celsius है और 1 liter पानी जिसका temperature 50 degree Celsius है, दोनों को अगर mix किया जाए तो mixture का temperature कितना होगा? तो बिल्कुल mixture का जो temperature है वो 30 degree Celsius से 50 degree Celsius के बीच ही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस द हीट विल. तो अगर कोई आयरन बॉल है जिसको गर्म किया गया है 40 डिग्री सेल्सियस पे और उसे अगर वाटर में डाला जाए जिसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है तो हीट किस बॉडी से किस तरफ मूव करेगी? तो बिल्कुल हीट किसी भी बॉडी की तरफ मूव नहीं करेगी क्योंकि दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम है और हीट हमेशा हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ही मूव करती है. यानी कि ऐसी बॉडी जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ से हमेशा हीट लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करती है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस. तो इस बॉडीज में हीट किधर भी मूव नहीं करेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम इट्स अदर एंड. तो अगर कोई वुड की स्पून को कप ऑफ आइसक्रीम में डिप किया जाए तो क्या अदर एंड ठंडा हो जाएगा? तो इट डज नॉट बी कोल्ड बिकॉज दूसरा एंड ठंडा नहीं होगा क्योंकि जो वुड है लकड़ी है वो ऊष्मा की कुचालक है. वुड इज द इंसुलेटर ऑफ हीट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेनलेस स्टील्स pans are usually provided with copper bottoms. The reason for this could be that जो stainless steel के बर्तन होते हैं उनमें ज़्यादातर नीचे copper की bottom लगाई जाती है. तो इसका क्या कारण है? क्योंकि जो copper है वो stainless steel के compare में heat का अच्छा conductor है, इसलिए जल्दी से बर्तन गर्म हो और उसमें खाना जल्दी से बन सके इसलिए जो स्टेनलेस स्टील के बर्तन हैं उनमें नीचे कॉपर की बॉटम लगाई जाती है. ओके स्टूडेंट्स, होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा. प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.